हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है इट लिव्स इनसाइड। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर इसके रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है और ये काफी अच्छी हॉरर मूवी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो फिर से मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी मदद के बिना मेरे 1K सब्सक्राइबर फैमिली का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। सो होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ मर्द उच्चारण की आवाजें सुनाई देती हैं और कमरे के बाहर हम एक ढुकी हुई लाश को देख पाते हैं और कुछ ही क्षण में वो मर्द उच्चारण बंद हो जाता है, क्योंकि वो मर्द उच्चारण करने वाला व्यक्ति जुलस का मौत के घाट उतर चुका था और उसके पीछे छूट जाती है एक जर्नल और साथ ही में एक ग्लास का चार जो एक क्रिबी सीन क्रिएट कर रहा था। और ये सारा क्या मामला है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। फिर शिफ्ट होता है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर सुमेधा को देख पाते हैं। सुमेधा की फैमिली ईस्ट इंडिया से इमिग्रेट होकर अमेरिका में सेटल हो चुकी थी, लेकिन सुमेधा को अपना कल्चर और ट्रेडिशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और वो पूरी तरह से अपने आप को अमेरिकन मानने लगी। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो अपनी फैमिली के बीच में भी हिंदी बोलना नहीं पसंद करती थी और ना ही वो भगवान को मानती थी। इन सब चीजों को अपनाने में उसे इंसान फील होता था और अपने पेरेंट्स के साथ भी सुमेधा डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करती थी, क्योंकि उसकी माँ पूर्णा को उसका ये आश्रम बिल्कुल पसंद नहीं आता था और उसकी माँ चाहती थी कि सुमेधा अपने कल्चर के करीब रहे, इसलिए सुमेधा और उसकी माँ पूर्णा में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वहीं उसके फादर इनेश सुमेधा को किसी भी गलती पर नहीं डांटते थे, इसलिए सुमेधा अपने फादर को थोड़ा बहुत पसंद करती थी। सुमेधा को स्कूल में सब सैम के नाम से बुलाते थे। सैम के स्कूल में सैम के अनगिनत दोस्त थे और रस नाम का लड़का सैम को पसंद भी करता था, क्योंकि सैम पढ़ने में अच्छी थी और उसका ड्रेसिंग सेंस भी सबको पसंद आता था। लेकिन सैम की एक और दोस्त थी जिसका नाम तमायरा होता है और तमायरा बचपन से ही सैम की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन सैम अब तमायरा को देखते ही इग्नोर करती है और उससे बात करने में भी उसे इंसल्ट फील होता है, क्योंकि तमायरा अपने कल्चर और ट्रेडिशन को एक्सेप्ट कर चुकी थी और इससे उसे कोई दिक्कत नहीं थी। और तमायरा के ड्रेसिंग सेंस भी सैम से नहीं मिलते जुलते थे। तमायरा कुछ दिनों से बिल्कुल डरी सहमी से रहती थी और उसका चेहरा बिल्कुल उतर चुका था और वो अपने हाथ में हर वक्त एक ग्लास का जार लेकर घूमने लगी थी। और ये देखकर सैम की बॉयफ्रेंड सैम से पूछती है कि क्या ये उनके कल्चर का एक हिस्सा है, तब सैम उससे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तमायरा की इस सिचुएशन को देखकर उनकी टीचर जॉयस को तमायरा की फिक्र होने लगती है कि शायद तमायरा किसी मुसीबत में है और वो हर वक्त उलझन में रहती है या फिर वो किसी तकलीफ में है, और इसके बारे में पता करने के लिए वो सैम से पूछती है। तब सैम उनसे कहती है कि नहीं, तमायरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तमायरा शाम के समय जब घर जा रही होती है तब वो तमायरा के बैग से खून टपकते हुए देखते हैं और घर आने के बाद तमायरा जार में कुछ कच्चे मांस का टुकड़ा मंत्र पढ़ते पढ़ते डालती है। और हम तमायरा के आसपास और उस ग्लास के जार से एक मॉन्स्टरस आवाज सुन पाते हैं, जैसे उसमें कोई इवल एंटिटी कैद हो और वो इवल चीज उस ग्लास के जार को क्रैक कर देता है, जिसका मतलब हुआ कि उसकी पावर बढ़ रही है और ज्यादा दिनों तक उसे कैद करके रखा नहीं जा सकता। इसलिए तमायरा दूसरे दिन सैम की हेल्प लेने के लिए जाती है, जब सैम अपने वाइस फ्रेंड्स के साथ में जिम में होती है और तमायरा सैम से प्रॉमिस करवाती है कि वो उसकी बातों का यकीन करेगी और उसकी मदद करेगी। सैम तब तमायरा से पूछती है कि उसे क्या तकलीफ है, तब तमायरा सैम से बताती है कि उस जार में एक मॉन्स्टर कैद है जो दिन ब दिन पावरफुल होता जा रहा है और उसे संभाल पाना अब उसकी बस की बात नहीं है, उसमें सैम उसकी कुछ मदद करे। दरअसल तमायरा को वो ग्लास का जार एक अबॉर्डेंट घर में मिला था और तब उसने से तमायरा को बोल दिख पा रहा था। अब उसने तमायरा उस घर के अंदर जाकर उस ग्लास जार को उठा लाई और अब वो उससे अपना पीछे नहीं छुड़ा पा रहे हैं। सैम को तमायरा की बातें बिल्कुल बकवास लगती है और इसलिए वो झटके से तमायरा के हाथ से वो जार गिराकर फोड़ डालती है, जिसमें से राख जैसी कोई चीज जमीन पर बिखर जाती है, जिसे देखकर तमायरा और भी ज्यादा दहशत में आ जाती है। और सैम के पीछे तमायरा किसी ईवल को देख पाती है, लेकिन सैम जब पलटती है तो वो उस ईवल को नहीं देख पाती और तमायरा डर के मारे चिल्लाने लगती है। तब सैम तमायरा को नहीं संभाल पाती, इसलिए वो भागती है टीचर जॉयस को बुलाने के लिए और यहाँ कोई अदृश्य शक्ति तमायरा को झटके से उठाकर लेकर चली जाती है। सैम और जॉयस के पहुँचने से पहले सैम को तब अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है कि उसी की वजह से तमायरा गायब हो गई और सैम के पास रह जाती है तमायरा के पास की वो चिन्ह और ये वही जनरल होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा हुआ था। और नेक्स्ट सीन में हम तमायरा को एक जगह पर कैद देख पाते हैं और वो ईगल तमायरा के हाथ को झिकसा रहा था। दूसरी सुबह सैम के घर पर उनके पेरेंट्स के द्वारा दुर्गा पूजा रखी गई थी, जिसके सेलिब्रेशन में सैम को मजबूरन शामिल होना पड़ता है।
और उस पूजा में तमायरा की सेफ्टी और गुड हेल्थ के लिए सब प्रार्थना कर रहे थे कि तमायरा सेफ रहे, लेकिन सैम इसका निरादर करती है और वो हाथ तक नहीं जोड़ती और पूजा को बीच में ही छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से पोला को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। सैम वहां से दौड़ कर आती है और तमायरा के उस जनरल को थोड़ा देखती है और वहीं से वो चली जाती है रस के साथ में पार्टी में, और ये बड़ा ही शेमफुल एक्ट था सैम के द्वारा। पार्टी के बाद सैम रस को तमायरा की जनरल दिखाती है, जिससे रस तमायरा को ढूंढने में सैम की मदद करता है और रस तब सैम को करण के घर लेकर जाता है, जिसे डिमोलिश करने का ऑर्डर मिल चुका था, और ये वही घर होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। करण एक टीनेज लड़का था जो ओवी के साथ में पढ़ा करता था और उसके भी रूट्स इंडिया से ही थे। करण के घर की हालत बड़ी अजीब सी थी और वॉल्स पर कुछ अजीब से क्रीपी ड्राइंग्स बने हुए थे। रस और सैम ड्राइंग देख ही रहे होते हैं और तभी पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनकर सैम और रस को वहां से भागना पड़ जाता है और गलती से सैम के हाथ से वो जनरल वहीं पर छूट जाता है और उसी रात से सैम को सोते समय बड़े बुरे नाइटमेयर्स आने लगते हैं, जिसमें सैम तमायरा को प्रताड़ित होते हुए देखती है और डर के मारे सैम की नींद खुल जाती है। सुबह सैम की माँ पूर्णा सैम को डांटती है कि वो पूजा छोड़कर चली गई थी और इसलिए भी कि वो केवल अमेरिकन्स की तरह बनना चाहती है। तब सैम पूर्णा से डिसरिस्पेक्टफुली कहती है कि वो पूर्णा की तरह आगे चलकर एक हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती। जिसके बाद सैम रस के साथ वापस करण के घर पहुंच जाती है, क्योंकि पिछले रात को भागते समय सैम के हाथों से गलती से तमायरा को वो जन्नत वहीं पर गिर गया था। तब घर के अंदर जाकर उस जन्नत को लेकर आता है। तब सैम तमायरा के साथ बीते अपने बचपन को याद करने लगती है और उसके बाद दोनों स्मोक करते हैं। तभी सैम को खांसी आने लगती है और वो खांसते खांसते घर के अंदर चली जाती है, जैसे उसे कोई पावर आकर्षित कर रही और सैम उस जगह पर जाकर बिल्कुल मुक्त हो जाती है और बाहर रस पर किसी अदृश्य शक्ति ने हमला कर दिया था और वो ईवल उसे बड़े बेरहमी से मार डालता है और रस के गले पर जैसे किसी जानवर के नाखून के निशान थे। और ये सारा हादसा सैम की आंखों के सामने बाकी की जनता को लगने लगता है कि शायद रस को किसी जानवर ने मारा है। रस की मौत से सैम बिल्कुल टूट सी जाती है, क्योंकि वो हादसा उसकी आंखों के सामने हुआ था। सीन शिफ्ट होती है और हम तमायरा को देख पाते हैं जो कि उस कैद से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे बाहर जाने ही नहीं देता। यहाँ सैम को उदास देखकर उसके पेरेंट्स सैम की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन सैम अपने पेरेंट्स के साथ में वो पेशीदा मामला शैन वो करना चाहती थी, इसलिए सैम की माँ उससे नाराज हो जाती है क्योंकि सैम उन्हें उस लायक नहीं समझती और उनसे कोई भी बात शैन नहीं करती। रात में सैम को वापस से एक बुरा सपना आता है जहाँ पर वो देखती है कि उसकी माँ अकेले बैठकर रो रही है, लेकिन जैसे ही सैम उसके करीब जाने की कोशिश करती है वो लेडी बड़ी कृपी तरीके से चलने लगती है, जिसे देखकर सैम अपनी जान बचाकर भागती है और वो समझ जाती है कि वो उसकी माँ नहीं है और वो तो सिर्फ एक सपना था। लेकिन सैम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इसलिए सैम दूसरे दिन टीचर जॉयस के पास जाती है और उन्हें अपने सिचुएशन के बारे में बताती है। वो चीज़ अब सैम का हर जगह पीछे कर रही थी, सैम उस चीज़ को बराबर फील कर रही थी और अब तो टीचर जॉयस ने उस जर्नल में लिखी हुई चीज़ों के बारे में पता करने का बेड़ा उठा लिया था और वो उस ईवल मास्टर के बारे में सैम को बताती है कि वो एक इंडियन माइथोलॉजिकल मास्टर है जिसका नाम पिशाच है और उसे सिर्फ एक वेसल में कैद करके रखा जा सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पहले के ज़माने के साधु और तांत्रिक खुद के शरीर को वेसल बनाकर इन्हें कैद करके इनका बोझ उठाते थे और यही एक अंतिम विकल्प था। सैम को जब समझ नहीं आता कि वो तमायरा को बचाने के लिए क्या करे, इसलिए अब सैम पूर्णा के पास जाती है इसका हल ढूंढने के लिए। पूर्णा उसको पूजा कर रही होती है। पूर्णा वैसे तो सैम से नाराज थी, लेकिन पूर्णा सैम को दुखी देखकर उसे माफ कर देती है क्योंकि वो तो एक माँ है। सैम तब पूर्णा को सब कुछ बताती है और इस जनरल की इंफॉर्मेशन से सैम को पता चलता है कि वो पिशाच 7 दिन के बाद ही अपने शिकार को मार डालेगी और उस दिन 7वां दिन था। पूर्णा सैम को बताती है कि पिशाच अपने शिकार की नेगेटिव एनर्जी पे फीड करता है, जैसे कि एंगर, हेटर, इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस, और जब वो किसी को टारगेट करता है तो वो पहले अपने शिकार को बिल्कुल अकेला कर देता है और अपने शिकार की करीबी और प्यार करने वाले से उसे दूर करके वो उन्हें हर्ट करने की भी कोशिश करता है ताकि उसका शिकार जीने की होप छोड़ दे। और वहाँ दूसरी तरफ वो पिशाच टीचर जॉयस को मारने के लिए उनके पीछे पड़ चुका था, क्योंकि टीचर जॉयस ने सैम की मदद करने की कोशिश की थी। पूर्णा और सैम दोनों मिलकर रिचुअल की तैयारी करने लगती है, जिसमें पहले उन्हें पिशाच के लिए ऑप्टिंग देना होगा। सैम अपनी मर्जी से इंडियन कल्चर के हिसाब मीटिंग हो गई। पूर्णा सैम के हाथों में मेहंदी लगाती है क्योंकि ये कल्चर और पूजा का ही हिस्सा है, क्योंकि मेहंदी लगाने से इंसान के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगता है और नेगेटिव एनर्जी एक साथ से दूर हो जाएगी। सैम और पूर्णा
अपने पूरे तन मन से जनरल में मौजूद पर सारे मंत्रों को याद कर लेती है। और यहाँ वो पिशाच टीचर जॉयस को बिल्कुल अनभड़ा कर देता है। लेकिन वो पिशाच टीचर जॉयस को बख्श देता है क्योंकि सैम और पोना ने पिशाच के लिए ऑपरेट तैयार कर लिए थे, इसलिए उसका ध्यान भटक जाता है। सैम को तभी टीचर जॉयस की याद आती है और सैम तब देखते हैं कि टीचर जॉयस ने उन्हें अनगिनत बार फोन कॉल किए थे, साथ ही में एक वॉइस मैसेज भी भेजा था, जिसे सुनकर सैम और पोना बिल्कुल सहम जाती है। और तभी अचानक से सैम के फादर निश उनके घर के बाहर दस्तक देते हैं, जबकि उतने समय वो वहाँ पर नहीं होते और शायद वो पिशाच की इन्फ्लुएंस की वजह से घर लौट आए थे। तभी वो पिशाच उनिश के पीछे से आकर उन पर अटैक करके उन्हें भी अदमरा कर छोड़ देता है। पोना तब उस पिशाच से बचने के लिए उसे ऑफिस की तरफ जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उस पिशाच को तो कच्चा मांस खाने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उसे कुछ भी वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं आता और वो गुस्से में पूरा का पूरा टेबल ही पलट देता है। और वो पिशाच पोना और सैम पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पोना और सैम लगातार मंत्र उच्चारण कर रही होती है, इसलिए वो पिशाच पोना को थोड़ा सा झटका देकर बाहर भाग जाता है। एम्बुलेंस को फोन करने के बाद सैम भागते हैं करण के घर, क्योंकि सैम को यकीन था कि उस पिशाच ने थर्मायरा को वहीं पर कैद करके रखा होगा। और उस दिन सातवां दिन बीत जाने वाला था और अगर वो रात बीत जाती तो थर्मायरा को पाना नामुमकिन। सैम के घर में एंटर होते ही वो मंत्र उच्चारण करने लगती है, तभी वो पिशाच भी वहां पर आकर पहुंच जाता है और सैम के हाथ चलाने लगता है अपनी शक्तियों से। लेकिन सैम उस पिशाच का डरकर मुकाबला करती है और उस पिशाच को एक ग्लास के जार में बंद करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो पिशाच उस ग्लास के जार को तोड़ देता है और सैम को तभी थर्मायरा मिल जाती है, लेकिन वो होश में नहीं थी। जार टूटने के बाद सैम के पास अब पिशाच को कैद करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं और ना ही उसके पास एक भी जार बचा था। तब सैम को करण की दीवार पर बनाई गई उस ड्रॉइंग्स में रू मिलता है पिशाच को कैद करने का, जिसके लिए सैम को खुद पिशाच का वैसल बनना होगा, पर इसके सिवा और कोई चारा नहीं था वरना वो दोनों मारी जाती। तभी थर्मायरा होश में आ जाती है और अब दोनों मिलकर मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। तब उस पिशाच की सारी एनर्जी और सोल सैम के मुंह के जरिए उसके अंदर समा जाती है और इस तरह से वो पिशाच सैम के बॉडी के अंदर कैद हो जाता है और दोनों की जान बच जाती है। और फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जब जहाँ पर सैम की फैमिली और थर्मायरा सब लोग ठीक ठाक थे और खाना खाने जा रहे थे, लेकिन सैम को अब उस पिशाच को फीड करने के लिए कच्चा मांस खाना पड़ता है। और सब लोग तब खाते समय मंत्र पढ़ते हैं क्योंकि वो पिशाच सैम के अंदर ही था। एम थर्मायरा से प्रॉमिस करती है कि वो उस पिशाच को कभी बाहर नहीं आने देगी, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? सैम के रिएक्शन में बदलाव देखकर और उसकी उदासी देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जब वो पिशाच बाहर से सैम को इतने डरावने सपने और चीजें दिखा रहा था तो अंदर रहकर वो सैम के दिमाग और शरीर को कितना इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। और इसी के साथ वो मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में पिशाच इंडिया से आया था करण के फादर के पीछे पीछे, और करण के फादर इसीलिए इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स में आकर सेटल हो चुके थे अपना पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। और मूवी की शुरुआत के सीन में वो करण के फादर की लाश थी जो वहाँ पर पड़ी हुई थी और जिसकी बॉडी झुलस रही थी वो टीनेज करण था, जिसने मरते मरते उस पिशाच को कैद कर लिया था, क्योंकि करण बहुत ही हिम्मती था और ये काम कोई हिम्मत वाला नहीं कर सकता है। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।